वार्ड क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी सुधीर साखला दे रहे हैं बराबरी की टक्कर। वार्ड क्रमांक 2 में सुधीर साखला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुंकार भरी है, जहां कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज सुधीर साखला अब केक के निशान के साथ मैदान में हैं, जहां साखला ने धुआंधार जनसंपर्क के साथ शुरुआत की। सुधीर साखला ने बताया कि वार्ड क्रमांक 2 में सड़क, बिजली और पानी की समस्या पिछले काफी लंबे समय से बनी हुई है। कई पार्षद आए और गए, लेकिन उन्होंने अब तक वार्ड के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस बार साखला अगर चुनकर आते हैं तो वे आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड का विकास करेंगे। इसी के साथ वार्ड के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, BPL राशन कार्ड, नगर निगम और सरकार की सभी योजनाओं का वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएंगे। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 2 में सुधीर साखला स्थानीय और परिचित प्रत्याशी हैं। आम जनता सुधीर साखला को भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बीजेपी का जो 5 साल का कार्यकाल है वो बिल्कुल निरर्थक रहा है, तो इसलिए इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी एक ऊर्जा की संभावनाएं पैदा हो रही थी। पब्लिक का यह मानना था कि कहीं भी एक ऐसा व्यक्तित्व आए जो हमारा काम कर सके। क्योंकि मेरा जुड़ाव पब्लिक से है तो पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, इसलिए मेरा खड़ा होना था। कौन कौन सी समस्या ज़्यादा वार्ड में भी आ रही है? वार्ड में अभी सबसे बड़ी समस्या तो टाटा कंपनी वाली आ रही है। दूसरा, सड़कें नहीं बनी हैं, काफ़ी 20 साल से सड़कें नहीं बनी है वार्ड के अंदर, और जितने रोजगार के व्यवस्थाएं होनी थी वो व्यवस्थाएं भी नहीं है। पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 11,000 पॉपुलेशन है इस क्षेत्र की। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या इसकी, पानी की समस्या है। आज भी मेरे फार्म हाउस से पानी का वितरण होता है, तकरीबन 20 साल हो गए इस बात को।